कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री पांचवा अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो।